ट्रम्पेट बोलते हैं, यानी कि येलो ट्रम्पेट, ऑरेंज ट्रम्पेट, जो भी, क्योंकि इसके जो फ्लावर्स हैं वो बाजे की शक्ल के होते हैं, ट्रम्पेट की शक्ल के होते हैं। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। चलिए प्रॉपर तरीके से वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर मैं आपको ये इसका प्लॉट दिखाऊँ नीचे से, तो ये देखिए छोटा सा पॉट है और इसमें माशाल्लाह मेरी ये वाइन लगी हुई है। पहले बिल्कुल छोटे से पॉट में लगी हुई थी जब मैं उसी से लेके आई थी, तो तकरीबन एक हफ्ता ही हुआ है मैंने इस बड़े पॉट में इसको शिफ्ट किया था। तो बड़े पॉट में शिफ्ट करने के बाद से इसमें जो है एकदम फ्लावरिंग आना शुरू हो गई, क्योंकि मैंने इसकी जो मिट्टी है वो बहुत अच्छी बनाई थी। तो प्लांट से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई प्लांट छोटा या बड़ा है, बस थोड़ी सी उसकी एज का फर्क पड़ता है, लेकिन ये जो वाइन्स होती हैं इनमें फ्लावरिंग बहुत जल्दी आ जाती है। तो आज हम इसके बारे में बात करते हैं। इस येलो ऑरेंज ट्रम्पेट की वाइन कैसी होनी चाहिए, इसकी वाइन की जो मिट्टी है उसकी सॉइल कैसी, इसकी सॉइल जो है आप बेशक 30% गार्डन सॉइल ले लें, 10% आप उसमें 10% आप उसमें कंपोस्ट मिला लें, और अगर कंपोस्ट नहीं है तो कॉटन मिला लें। कॉटन मिलाने से इसकी मिट्टी जो है बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी, और अगर कंपोस्ट अवेलेबल नहीं है तो फिर कंपोस्ट अवेलेबल नहीं है तो कॉटन डालने से ये होगा कि इसमें फ्लावरिंग भी आएगी, क्योंकि उसका जो असर है मिट्टी पे, आप जितनी आप अपना हाथ थोड़ा क्या कहते हैं होला ना रखें, क्योंकि मिट्टी तो आप जितनी अच्छी बनाएंगे उतनी अच्छी आपकी वाइन रहेगी, तो सॉइल में आप ये चीज़ सकते हैं। हम बात कर लें कि इसको फर्टिलाइज़र का डालना चाहिए, तो मैं आपको सच बात बताऊँ, मैंने अभी इसको कोई अभी तक इसको कोई फर्टिलाइज़र नहीं डाला, मैंने सिर्फ इसको पत्तों की कंपोस्ट डाली थी, और वो पत्तों की कंपोस्ट डालने की वजह से इस पर फ्लावरिंग जल्दी आई है, माशाल्लाह इस पर और फ्लावरिंग भी आएगी, तो फ्लावरिंग ज़्यादा लाने के लिए ये है कि आपने इसकी एक तो उसकी मिट्टी को ज़्यादा पानी नहीं देना। जब आप देखें अभी मैंने उसको वीडियो बनाने से पहले पानी दिया, जब आप देखें कि मिट्टी थोड़ी बॉन ड्राई हो रही है तो फिर पानी दे दें, और पौधा थोड़ा मुरझा रहा है तो फिर पानी दे दें, वरना उसको ज़्यादा पानी देंगे तो फिर वैसे। लेकिन इस पौधे को ये कि इसको ज़्यादा पानी कम पानी देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कभी मिट्टी को कीचड़ नहीं करना चाहिए। तो बायोक्साइम वगैरह जो है वो ऐसे प्लांट्स के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। लेमन का जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम है, बायोक्साइम वो फ्लावरिंग प्लांट के लिए बेस्ट है। आप लेमन का एग्ज़ाम इसको डालें बॉटल में, यूज किए हुए लेमन के छिलके जो हैं वो आप डाल दें और पानी भर के रख लें, हफ्ते भर में ही लेमन एग्ज़ाम तैयार हो जाएगा। तो वो आप इसको एक बकेट में लेके और 2-3 स्पून डालें और सारे फ्लावरिंग प्लांट्स को डालें, बहुत अच्छी फ्लावरिंग। अब बात कर लें इसकी एटमॉस्फेयर की, इसकी क्लाइमेट की, तो ये 100% धूप पे चलता है, और 100% धूप पे चलने की वजह ये है कि अगर आप इसको छाया में रखेंगे तो इस पर फ्लावरिंग नहीं आएगी। तो हम इसको धूप पे रखते हैं, तो ये मेरे ऐसी जगह पड़ी हुई है जहाँ पे बिल्कुल डायरेक्ट धूप इसके ऊपर आती है, और धूप आने की वजह से ही इस पर फ्लावरिंग जल्दी स्टार्ट हुई है, क्योंकि ये अभी प्लांट इतना बड़ा नहीं है। तो आपने इसको 100% धूप में रखना है, और क्लाइमर है ये वाइन है, क्योंकि वाइन आपको पता है कि स्ट्रिक से ऊपर से चढ़ती है। तो मैंने ऐसा किया है कि मैंने इसको कोई स्टिकिंग वगैरह नहीं की है, मैंने ऐसा किया कि मैंने इसके ऊपर ये देखा ऊपर करके ये धागा बांधा हुआ है, तो ये इसके ऊपर साथ साथ जा रही है, क्योंकि ये क्लाइंबिंग करती है, इसलिए इसके लिए इस तरह की चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो घर के किसी भी कोने में रखे जाएँ तो आ रही है। चलिए अब मैं आपसे बात कर वीडियो ख़त्म करने की इजाज़त चाहती हूँ, और मैंने आपसे कुछ सारे टॉपिक्स पर बात की, चलो फिर मिलेंगे आपसे किसी नए टॉपिक किसी नए वीडियो के बारे में। अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा।